नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कारण ही बाला साहब की शिवसेना बची है, वरना उद्धव और आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी की पूरी शिवसेना बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठी थी। तो सीएम शिंदे को अपने साथ आए विधायकों की नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है, इसी के चलते वो कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे। वहीं गणेश दर्शन के लिए वर्ली स्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के विदर्भ में पिछले 24 घंटों में 6 किसानों ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले सभी किसान गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। तो उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को नोटिस जारी किया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कारण ही बाला साहेब की शिवसेना बची है, वरना उद्धव और आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी की पूरी शिवसेना बीजेपी में जाने के लिए तैयारी बैठी है। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो पर बाला साहेब ठाकरे के आदेशों को मानने के बजाय शरद पवार की बात मानने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजित पवार सुबह 7 बजे मंत्रालय में बैठते थे तो शरद पवार सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते थे। उन्होंने मंत्रालय में बैठकर एनसीपी के कई पूर्व विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड दिया और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। यही कारण था कि शिवसेना से सभी विधायक बीजेपी में जा रहे थे। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मराठा से नफरत करते हैं, वह केवल मराठा नेताओं का इस्तेमाल करते रहे, उन्हें आगे बढ़ाने वाले मराठा आदमी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सभा करेंगे वहाँ हमारी भी सभा होगी। असली देशद्रोही कौन, असली धोखेबाज कौन है, लोगों को सच बताऊंगा। मैं हर घर जिले में जाऊंगा। मुझे 3 साल तक बोलने नहीं दिया गया। वे खुद को मालिक और बाकी को नौकर समझते। बाला साहब सभी नेताओं से बात करते थे, चर्चा करते थे और तब निर्णय लेते थे। मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अभी सरकार बने करीब 3 महीने ही बीते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ आए विधायकों की नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है, इसी के चलते वह कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल शिवसेना से बागी ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में खुद को मंत्री देखना चाहते हैं और यही मुश्किल की वजह है। फिलहाल असली शिवसेना और नकली शिवसेना का विवाद भी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सक्षम लंबित है। ऐसे में चर्चा है कि कुछ ऐसे विधायक भी है जो मंत्री न बन पाने की स्थिति में उद्धव ठाकरे गुट के साथ जा सकते हैं। ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए यह बड़ी मुसीबत होगी। यदि कुछ विधायक जाते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के सामने दल बदल कानून का खतरा पैदा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत करके सरकार बनाई थी तो उन्हें 40 विधायकों का समर्थन मिला था। शिवसेना के कुल 54 विधायक है, ऐसे में उन्हें कम से कम 37 विधायक विवाद हल होने तक अपने साथ रहना जरूरी है ताकि दल बदल कानून से बच सके। इसलिए यदि बाकी विधायकों में से 4 भी अलग हुए तो संख्या 36 ही हो जाएगी और दल बदल कानून का खतरा पैदा हो जाएगा। यही एकनाथ शिंदे की मुश्किल है, जिसके चलते वह विधायकों को राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। दिग्गज नेता अशोक चव्हाण गुरुवार को गणेश दर्शन के लिए वर्ली स्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हाल के दिनों में भगवा खेमे के पदाधिकारियों के साथ उनकी निकटता दिखी है। इसके अलावा वह कांग्रेस के बाकी गुट G23 के भी सदस्य है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से पहले हुए राज्यसभा और MLC चुनाव में आशीष कुलकर्णी ने एक रणनीतिकार रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुलकर्णी शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों के साथ ही कुछ समय के लिए काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष से पहले उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम किया था। हालांकि अशोक चव्हाण का कहना है कि वह जल्द ही दिल्ली में भारत जोड़ो कांग्रेस की रैली में भाग लेंगे। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। चव्हाण ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे तो मैं भी आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए पहुंचा था। कई मेहमानों की मौजूदगी में हमारी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। इस तरह का निष्कर्ष निकालना गलत है। महाराष्ट्र के विदर्भ में पिछले 24 घंटों में 6 किसानों ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले सभी किसान
गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या प्रकरण में विदर्भ पिछले दो सालों में सबसे आगे है। आत्महत्या करने वाले 6 किसानों में से 5 यवतमाल जिले के गाँव से थे, जबकि एक वर्धा जिले के एक गाँव का रहने वाला था। महाराष्ट्र सरकार के एक निकाय कृषि मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने जानकारी दी कि जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के बाद फसलें बह गई। बदकिस्मत से इन 6 किसानों की फसलें भी बह गई, जो इनकी आत्महत्या का कारण बनी। खरीफ सीजन की शुरुआत में अपने खेतों में फसल बोने के लिए इन किसानों को लोन तक नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले ही गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। यवतमाल के नरसाला गांव में बीते गुरुवार को आत्महत्या करने वाले एक किसान के पिता ने कहा कि बेटे के पास 3 एकड़ कृषि भूमि की देखभाल की जिम्मेदारी थी। वह उससे कपास और सोयाबीन उगाता था। फसलों की फिर से बुआई के लिए अस्थायी ऋण के लिए कुछ साहूकारों से संपर्क किया, लेकिन वह धन नहीं जुटा सका और इसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। यवतमाल के जिला कलेक्टर ने कहा, हमारे अधिकारी संकटग्रस्त किसानों को सलाह देने और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन ने जिले में जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को नोटिस जारी किया है। याचिका दिलीप लुनावत की ओर से दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के कारण हुई थी। उन्होंने अपने नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। दरअसल साल 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल गेट्स एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक डील हुई। इस डील के पीछे मुख्य वजह यह भी थी कि भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए कोविशील्ड टीकों की 100 मिलियन खुराक के निर्माण और उसके वितरण में तेजी लाई जा सके। याचिका में शामिल अन्य प्रतिवादियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया शामिल है। औरंगाबाद के रहने वाले दिलीप लुनावत ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी धामनगांव के SMBT डेंटल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर और सीनियर लेक्चरर थी। संस्थान के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लेने के लिए कहने के बाद उनकी बेटी को टीका लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। टीके के साइड इफेक्ट के कारण उसकी मौत हो गई। हम अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। तमिलनाडु की रहने वाली महिला ने बांग्लादेशी लड़की से पूरे रीति रिवाज से शादी की, तो सोनाली फोगाट मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनाली के सहयोगी सुधीर सांगवान ने पूछताछ में कबूला कि उन्हें एक साजिश के तहत वहां लाया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नेता रूबी खान विवादों में फंस गई है। गणपति आराधना के कारण कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्द मिलने वाले हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये खुलासा किया है। इसी बीच पटना के ADM KK सिंह पर गाज गिरी है। उन्हें तिरंगा लिए एक अभ्यर्थी की पिटाई मामले में जांच कमेटी ने दोषी करार दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तमिलनाडु की रहने वाली महिला ने बांग्लादेशी लड़की से पूरे रीति रिवाज से शादी की। ब्राह्मण परिवार में जन्मी सुभिक्षा सुब्रमणी अपनी शादी के दिन तमिल ब्राह्मण शैली में पिता की गोद में बैठी, जिसके बाद उससे और साथी टीना दास ने एक दूसरे को माला पहनाए। सुभिक्षा की पत्नी टीना बांग्लादेश में एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार से है और वह भी कैलगरी में ही रहती है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुभिक्षा ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि 6 साल से अधिक समय के बाद पूरा परिवार हमारे साथ है और हमारे लिए उत्साहित है। हमारे संबंधित रीति रिवाजों के अनुसार हर अनुष्ठान को पूरा किया गया। दरअसल सुभिक्षा तब केवल 19 साल की थी जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई कि वह समलैंगिक है। सुभिक्षा की माँ पूर्ण पुष्पकला सुब्रमणी कहती है कि मैं मौदूरे में पली बड़ी और बाद में कतर में रही। कनाडा जाने के बाद ही हमें समलैंगिक समुदाय के बारे में पता चला। हमारा पहला और सबसे बड़ा डर यह था कि भारत में रहने वाला हमारा पूरा परिवार हमारे साथ रिश्ते नाते तोड़ देगा। साथ ही इसी बात का भी डर लगा रहता था कि सुभिक्षा समाज के सवालों का जवाब देगी और सामना करेगी। उधर टीना ने कहा कि मेरे माता पिता का मानना था कि मुझे कोई बीमारी है, इसलिए जब मैं महज 19 साल की थी तब मेरी शादी कर दी गई थी, लेकिन अब हम ज्यादा खुश हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनाली के सहयोगी सुधीर सांगवन ने पूछताछ में कबूला कि उन्हें एक साजिश के तहत वहां लाया गया था। पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस प्रकरण में सुधीर सांगवन समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुधीर सांगवन गोवा पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सांगवन से पूछा गया कि क्या सोनाली को यह कहकर गोवा लाया गया था
कि वहां कुछ शूट होने वाला है और मुंबई से कुछ लोगों का एक ग्रुप आने वाला है जो सोनाली के साथ मीटिंग करेगा। इस पर सुधीर ने कबूल किया कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिलने वाला था जो फिल्म के संदर्भ में बातचीत करे या शूटिंग करे, यह सिर्फ नाम का बहाना था। हम योजना के तहत नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से गोवा आए थे, दोपहर 1 बजे पहुंचे थे। हत्या या हत्या की कोशिश की पहले ही साजिश रची जा चुकी थी। आरोपियों ने गोवा पहुंचकर अंजुना बीच पर ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट बुक किया था। इस बीच गोवा पुलिस के हाथ सोनाली की 3 डायरी लगी है। इन डायरी में सोनाली के भाषण, पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के फोन नंबर और कुछ खर्चों का लेखा जोखा है। गोवा पुलिस की टीम लॉकर को सील करने के अलावा इन डायरियों को साथ ले गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता रूबी खान विवादों में फंस गई है। दरअसल गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने गणपति की आराधना की थी। कट्टरपंथियों को मुस्लिम नेता की गणेश पूजा नहीं भाया, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मामला गरमाया तो भाजपा की मुस्लिम नेता सामने आई और फतवा जारी करने वालों को जिहादी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मुफ्ती और मौलाना उग्रवादी को जिहादी सोच के हैं, ये लोग खुद भेदभाव करना चाहते हैं। रूबी ने कहा कि सच्चे मुसलमान इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। मामला यूपी के अलीगढ़ का है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के मौके पर मुस्लिम भाजपा नेता रूबी खान ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित उनका विधिवत पूजन किया। अब इस परिवार के खिलाफ देवबंद के मुफ्ती ने फतवा जारी कर दिया। मुफ्ती ने अरशद फारूकी ने गैर इस्लामी करार दिया है। बता दें कि रूबी आसिफ खान भाजपा महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष है। फतवे के खिलाफ करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार का फतवा जारी करने वाले देश का बंटवारा चाहते हैं। ये देश सबका है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम को मिलकर रहना है। इस प्रकार के फतवों की मुझे कोई परवाह नहीं है। पहले भी हमारे खिलाफ फतवे जारी होते रहे हैं। मैं हमेशा हिंदू पर्वों को मानती रहती हूँ और आगे भी मानूंगी। हमारे खिलाफ मौलवी पोस्टर तक लगवा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकजुटता से टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता की बढ़ती मांग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्दी मिलने वाले हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इसका खुलासा किया। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी बैठक अगले हफ्ते की शुरुआत में ही होने वाली थी, लेकिन अचानक सोनिया गांधी बीमार पड़ गई और उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश जाना पड़ा। इसी बात सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया, इससे उनकी भारत वापसी में और देरी हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि विदेश दौरे से लौटने के बाद नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्हें चर्चा करनी है कि कैसे बिखरी हुई धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाया जाए और अगले आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए। अगर बिखरी हुई धर्मनिरपेक्ष ताकतें हाथ मिले तो बीजेपी को आसानी से सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है। सोनिया और नीतीश के बीच यह पहली बैठक होगी, क्योंकि पिछले महीने लालू प्रसाद और आरजेडी, कांग्रेस और 5 अन्य पार्टियों के साथ नई सरकार बनाने के लिए बाद में बीजेपी से अलग हो गए थे। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सोनिया ही थी जिन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। लोकतंत्र में रहकर लाठी तंत्र से शासन नहीं चलाया जा सकता, पटना के ADAM KK सिंह के कारनामे की जांच कर रही टीम ने रिपोर्ट दिया है। TET अभ्यर्थियों द्वारा 22 अगस्त को डाक बंगला चौराहे पर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान ADM विधि व्यवस्था KK सिंह द्वारा हाथ में तिरंगा लिए एक अभ्यर्थी की पिटाई मामले में जांच कमेटी ने उन्हें दोषी करार दिया है। जांच कमेटी ने कहा है कि घटनास्थल पर उन्होंने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। जांच कमेटी ने ADAM की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हाथ में तिरंगा लिए छात्र प्रदर्शन कर रहा था तो उस समय उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सौंप दी थी। रिपोर्ट आने के बाद DM ने ADAM शो कॉज जारी किया है। घटनास्थल पर मौजूद ज्यादातर अधिकारियों ने जांच कमेटी से कहा है कि हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थी ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था, वह आगे बढ़ रहा था। उसे देख उसके पीछे की संख्या में अभ्यर्थी राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। मौके पर मौजूद ADAM ने विधि व्यवस्था ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उसके साथ धक्का बुक्की की गई। अभ्यर्थियों से घिरे ADAM को कुछ हो न जाए यह देख वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट भी बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। इस घटना से क्रोधित होकर ADAM ने उस अभ्यर्थी की पिटाई करनी शुरू कर दी। अमेरिका में अभी भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेद का मामला शांत नहीं हुआ था कि यूरोप में एक भारतीय युवक के खिलाफ गलत व्यवहार और उसे गालियां देने का मामला सामने आया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की बैठक आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। अमेरिका इस बैठक से रूस को दूर रखने का प्रयास कर रहा है।
वहीं पश्चिमी कोलंबिया में एक विस्फोटक हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 8 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। तो उधर श्रीलंका के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कल कोलंबो पहुंचे। राजपक्षे को एयरपोर्ट पर मंत्रियों और राजनेताओं ने स्वागत किया। इसी बीच ब्रिटेन में मंकी पॉक्स वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका की यात्रा कर लौटा एक शख्स मंकी पॉक्स के इस नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका में अभी भारतीयों के खिलाफ नस्लभेद का मामला शांत नहीं हुआ था कि यूरोप से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक भारतीय युवक के खिलाफ गलत व्यवहार और उसे गालियाँ देने का मामला सामने आया है। इस भारतीयों को पैरासाइट यानी परजीवी कहते हुए सुना जा सकता है। पीड़ित भारतीय युवक की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन उन्हें अपशब्द कहने वाला व्यक्ति अमेरिका का बताया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि भारतीय युवक वीडियो बनाने से मना कर रहा है। इसके बाद भी अमेरिकी शख्स लगातार कह रहा था कि वह वीडियो तो बना ही सकता है क्योंकि यह उसका देश है। अमेरिकी युवक भारतीय युवक से कहता है कि तुम क्यों पोलैंड आए हो, और मैं तो वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं अमेरिका से ही हूं, वहां तो भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अब तुम लोग पोलैंड में क्या कर रहे हो। यह शख्स भारतीय युवक से कहता है कि वह अपने देश वापस चले जाए। यूरोप के लोग जानना चाहते हैं कि तुम सब गोरे लोगों की जमीन पर क्यों आ रहे हो, तुम अपने देश क्यों नहीं बनाते हो, तुम पैरासाइट क्यों बनाते जा रहे हो, तुम हमारी नस्ल का नरसंहार कर रहे हो, तुम एक आक्रमककारी हो, घर चले जाओ, हम लोग तुम्हें यूरोप में नहीं देखना चाहते, पोलैंड पोलिश लोगों के लिए है और तुम पोलिश नहीं हो। यह वीडियो पोलैंड में किस जगह का है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की बैठक आने वाले कुछ दिनों में होने वाली। हालांकि खबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 19 सितंबर से शुरू होने वाली इस बैठक से रूस को दूर देखने का अमेरिका प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का कहना है कि यह चिंताजनक है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक से 3 सप्ताह से भी कम समय पहले 56 सदस्य रूसी अग्रिम टीम के एक भी सदस्य और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को अमेरिकी प्रवेश वीजा नहीं मिला है। 19 सितंबर से विश्व नेताओं की संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी बैठक होने वाली है। रूसी राजदूत ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र में मेजबान देश के रूप में अमेरिका को कानूनी रूप से वीजा जारी करना चाहिए। बता दें कि 19 सितंबर से शुरू होने वाली यूएन की उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए आवेदन को मॉस्को में स्थित अमेरिकी दूतावास को प्रस्तुत किया गया था। बता दें कि रूस से यूक्रेन पर 24 फरवरी को आक्रमण के बाद से अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही संबंध और अधिक खराब हो गए हैं। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के खतरे बताया है। अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर रूस के खिलाफ कड़ा विरोध जता रहा है, इनमें यूरोपीय और अन्य नाटो देश शामिल है। पश्चिमी कोलंबिया में एक विस्फोटक हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 8 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। यह हमला हुइला डिपार्टमेंट के एक ग्रामीण इलाके में हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घातक हमला उस समय हुआ जब पुलिस की एक टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से भरी गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। देश में लगभग 60 सालों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने वाला वादा कर पिछले महीने कोलंबिया के प्रथम वामपंथी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले गुस्तावो पेट्रो के कार्यकाल में यह अब तक का सबसे घातक हमला है। पेट्रो ने ट्विटर पर कहा है कि विस्फोटकों के साथ किए गए इस हमले की निंदा करता हूँ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति और एकजुटता प्रकट करता हूँ। ये कृत्य पूर्व शांति में बाधा है। मैंने अधिकारियों को इस हमले की जांच के लिए इलाके में जाने का निर्देश दिया है। पेट्रो ने हमले के संदिग्ध आरोपियों का नाम नहीं लिया, लेकिन सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ये FARC विद्रोही आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य गुस्ताओ ने कंजर्वेटिव दलों को हरा कर जून में चुनाव जीता था। पिछले महीने 8 अगस्त को उन्होंने पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने असमानता से लड़ने और सरकार तथा गुरिल्ला समूहों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध से पीड़ित देश के इतिहास में अहम बदलाव लाने का वादा किया था। श्रीलंका के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कल कोलंबो पहुंचे। राजपक्षे को एयरपोर्ट पर मंत्रियों और राजनेताओं ने स्वागत किया। जुलाई में वह आर्थिक संकट की वजह से लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए देश छोड़कर भाग गए थे। 73 वर्षीय नेता गोटाबाया बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका लौटे हैं। श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट के बीच वहां की जनता ने उन्हें तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन का घेराव किया था, जिसके बाद गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान सरकार की गलत नीतियों, उत्पन्न विकट परिस्थितियों से नाराज प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति
के आधिकारिक आवास और कई अन्य इमारतों पर धावा बोल दिया था। प्रदर्शन के बीच गोटबाया राजपक्षे सबसे पहले कोलंबो से मालदीव भागे थे, इसके बाद वे सिंगापुर गए। यहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेज दिया था। इसके बाद फिर राजपक्षे ने अस्थायी आश्रम की तलाश में थाईलैंड गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति ने SLPP के आग्रह पर गोटबाया की स्वदेश वापसी के इंतजाम किए गए। बता दें कि राजपक्षे पर विक्रमतुंगे की हत्या और 2009 में द्वीप के दर्दनाक गृह युद्ध के अंत में तमिल कैदियों की यातना को लेकर अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की एक अदालत में भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। ब्रिटेन में मंकीपॉक्स वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। हाल ही में पश्चिमी अमेरिका की यात्रा कर लौटा एक शख्स मंकीपॉक्स के इस नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया है कि शुरुआती जीनोमिक सीक्वेंसिंग से यह पता चला है कि इस व्यक्ति के अंदर मंकीपॉक्स संक्रमण का मौजूदा वायरस नहीं है, बल्कि इस शख्स के अंदर जो वायरस का स्ट्रेन मिला है वो बेहद घातक है। संक्रमित व्यक्ति को रॉयल लिवरपूल विश्वविद्यालय अस्पताल में उच्च परिणाम संक्रमण रोग इकाई में भर्ती कराया गया है। उस शख्स को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। चिकित्सकों ने कहा है कि हम उन व्यक्तियों से संपर्क करने की दिशा में काम कर रहे हैं जिसे यह संक्रमित व्यक्ति मिला है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को इस नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि हम ऐसे सभी लोगों को आगाह करते हैं जो पश्चिम और मध्य अफ्रीका की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या फिर वहां से लौटे हैं। ऐसे लोग मंकी पॉक्स के लक्षणों से सतर्क रहे। अधिकारियों ने बताया है कि इस व्यक्ति के करीबी संपर्कों के संपर्क का पता लगाया जा रहा है। अब तक इससे जुड़े किसी भी मामले की पहचान नहीं की गई है। सलाह में कहा गया है कि ऐसे मामलों को अभी भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी विशेषज्ञों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो VKB न्यूज़ के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।